हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गौरी मिस्र डिज़ाइनर। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये स्कर्ट की जो लेयर स्कर्ट है वो जो और फिश कट भी है उसकी बेस कैसे कटिंग करते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर है वो भी हमने स्टार्ट कर दी थी और सेंटर की लेयर मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो अब साइड वाली लेयर्स हमें कैसे कट करनी है, बेस हमने बना दिया था, ऊपर वाला बाकी रह गया था वो मैं इस पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो और ये आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फिश कट वाला फुल अम्ब्रेला या हाफ अम्ब्रेला में कर सकते हैं, ऐसा बेस हमने रेडी करके मैंने आपको बताया था और ऊपर का आइडिया दिया था कि किस तरह हम लेयर को कट करेंगे इधर प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट ड्राफ्टिंग मेथड से, जिससे हमें परफेक्ट फिटिंग भी मिले और अच्छा वाला लुक भी आए। तो यहाँ पर हमने इस तरह की पेपर लेके जो सेंटर वाली ये जो लेयर है वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि तीन हमें कलियाँ काटनी है। पहले हम सीधी कलियाँ काटेंगे, उसके बाद हमें ऊपर वाला शेप उसमें देना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हमें ऊपर वाली कली अच्छे से काटनी है, शेप देना है और किस तरह से पूरा हम रेडी करेंगे इस स्कर्ट को। तो ऊपर वाली लेयर को हमने स्टार्ट कर दिया था और सेंटर वाली लेयर की हमने ड्राफ्टिंग भी चालू कर दी थी। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ऊपर वाली जो लेयर है उसकी कैलकुलेशन भी सब अच्छे से बता दी थी, तो वो पार्ट आप ज़रूर देखें, बाद में ये पार्ट आप स्टार्ट करें। अगर आप ये सेकंड पार्ट देखना स्टार्ट करें तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आप कमेंट करते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखा तो सेकेंड पार्ट कैसे क्लियर होगा, इसलिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए। और सेकेंड पार्ट में मैंने इस तरह से आपको एकदम अच्छे से बताया कि सेंटर की एक कली कैसे काटनी है और अब हम देखेंगे साइड वाली दो कलियाँ कैसे काटेंगे। तो ये मैंने सिर्फ फ्रंट का पार्ट बता रही, बैक आपको सेम एज इट इज कट कर देना है। अगेन हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और हम इसमें इस वाली कली में यहाँ से भी फ्लेयर लेंगे तो हमें 5 से 6 इंच 4 जितना फैब्रिक में एडजस्ट हो रहा है, ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है तो हम ज़्यादा ले लेंगे फ्लेयर। और सेंटर वाली कली में हमें शेप नहीं देना है, सेंटर वाली में हम शेप थोड़ा ही लिया है। यहाँ पे हम इस तरह ट्रेस कर लेंगे और ये हमारी साइड जॉइंट वाला है जो कर्व शेप है वो, और ये वाला साइड स्टिचिंग वाला, और ये जॉइंट वाला जो हमारी सेंटर में दिखेगा कलियाँ, कलियाँ जब जॉइंट होगी तो यहाँ पे ये वाली साइड वाला है, ये वाला अंदर वाला सही। अभी हम फिटिंग तक का भी लेंथ का मार्क कर लेंगे, यहाँ तक फिटिंग तक रखना है यानी कि यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा। अब ये दोनों मार्किंग को मैच कर देना है, यहाँ 5 से 6 इंच बाहर जा सकते हैं या जितना फैब्रिक है उतना ले लेना है और स्केल से मैच कर देंगे। हाँ हाँ उस पर बैठे थे ना, आपके पैर दिख रहे हैं, नहीं लेके आई गई मैं। अब हम इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे, पहले साइड वाली काटनी थी बट मैंने पहले ही बीच वाली काट दी, इसलिए इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट की ज़रूरत है, सिर्फ साइड में ही शेप चाहिए। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये वाला साइड साइड है, उठने के वाला भी बढ़ेगा यहाँ पे। इस तरह हमारे सेंटर से फ्लेयर आ जाएगा यहाँ पे, ये जो हमने एक्स्ट्रा फ्लेयर का कट किया ट्रायंगल शेप में दोनों साइड, इसके वजह से ही हमारा ये जो फ्लेयर आया हुआ है बीच में ये दिख रहा है, ये जो फ्लेयर आया हुआ है कॉर्नर देखो कली के नीचे इधर प्लीट्स आई हुई है वो इसके वजह से आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेप है वो कट कर लेंगे। अभी ये साइड वाली कली है वहाँ से शॉर्ट है, यानी कि यहाँ से हमें साइड वाली कली से शॉर्ट चाहिए,
फिर यहाँ से भी हमें साइड वाली कली जितनी लेंथ चाहिए, साइड वाली कली से शॉर्ट चाहिए, फिर जो इधर सेंटर वाली जॉइंट है वहाँ से हमें लॉन्ग चाहिए, यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आके शॉर्ट फिर लॉन्ग, इस तरह से हमें चाहिए। तो हम कर लेते हैं, ऐसा शेप दे देंगे, ट्राई करते हैं। साइड से शॉर्ट, इतना शॉर्ट कर लेते हैं, कम से कम 10 इंच तो ऊपर जाएंगे तो ये शॉर्ट दिखेगा, 10 से 12 इंच, मैं सेंटीमीटर में देख लेती हूँ, बस 10 इंच इतना। फिर यहाँ से लॉन्ग, अभी ये ऐसा दिख रहा है बट जब हम फोल्ड करेंगे और बना लेंगे तो ऐसी वाली लेयर बताए, लेयर का इफेक्ट आएगा। फिर वापस इस कली से हमें वापस शॉर्ट आता है ऊपर, इस तरह से हमने यहाँ से लॉन्ग और फिर वापस शॉर्ट, दो कली से हमारा शॉर्ट दिख रहा है। कट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसा लग रहा है। अब जब हम स्टिच करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक लेके करना है तो हमारी जो लेयर दिख रही थी वैसे सेम यहाँ पे हमें लेयर दिखेगी। अगर हम सेंटर से भी कली बना लेते तो यहाँ पे भी ऐसा फ्लेयर आएगा, बट यहाँ पे सेंटर में नहीं बनाएंगे तो भी चले जाएगा। पेपर में थोड़ा कम इफेक्ट आ रहा है बट जब रियल में बनेगा तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ये सारे कॉर्नर स्ट्रेट हो जाएंगे। यहाँ पे गदर और प्लेट कुछ नहीं देना, ये तो सीधा जॉइंट पे जाएगा ना यहाँ से, तो और ये जो इफेक्ट है वो तो अपने आप आ जाएगा, फैब्रिक ऐसे कट हुआ है ठीक है, जब आप पहनोगे तो वो ऐसा हो जाएगा ना जैसे अम्ब्रेला लहंगा बनाया था वो ऐसे सीधा होता है तो कैसा लगता है, ऐसे अपने आप गायदर आ जाता है। नीचे कुछ प्लेट नहीं देना, यहाँ पे स्टिच नहीं करना, ये ओपन ही रहेगा ऐसा, देखो प्लेट में भी ऐसा ही आएगा, ये देखो वो नीचे प्लीट नीचे स्टिच नहीं करना, मतलब कटिंग ही ऐसा किया कि हाँ, मतलब सिर्फ नीचे ऐसा फ्लेयर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे कॉर्नर देखे कट है। ऐसा अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो 5-6 कली का तो कर सकते हैं, तो ज़्यादा फ्लेयर आ जाएगा। अब नीचे वाला साइड कर देंगे, बस हमें थोड़ा मेजरमेंट ध्यान रख के करना होगा तो अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे भी इस तरह फ्लेयर आ जाएगा, इसमें नीचे वाला है जो कुछ ज़्यादा ही फ्लेयर आया हुआ है, क्योंकि ये फुल फ्लेयर है या डबल फ्लेयर, बट हमने नॉर्मल फ्लेयर किया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम गैदरिंग्स दिखेगा। यहाँ नीचे गैदरिंग्स नहीं फ्लेयर, गैदरिंग नहीं बोलते इसे, फ्लेयर बोलते हैं। गैदरिंग तो ऊपर अगर हमने चपटी चपटी दी उसे गैदरिंग बोलेंगे। तो मैं इसे फोल्ड करके इस साइड दिखाती हूँ, और ऊपर एक ब्लाउज भी आ जाएगा उसमें। यहाँ पे मैंने ऊपर गैदरिंग नहीं दी है, जब स्टिच होगा तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये नीचे का हो गया बेस, और नीचे का ये हमें इसलिए एक्स्ट्रा काटना है क्योंकि फिर इसके साथ हम ऐसा एक्स्ट्रा ई लाइन काटते तो इतना ज़्यादा फ्लेयर नहीं दिखता, इसलिए नीचे एक सेंटर जॉइंट के तो नीचे से हमने इस हाफ हाफ कट किया
क्योंकि नीचे वाला ज्वाइंट यहाँ नहीं दिखने वाला, इसके ऊपर लेयर आ गया। नीचे वाला कली वाला भी कट कर सकते थे लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं, फिर यहाँ इतने सारे ज्वाइंट दिखते कली में, इसलिए हमने नीचे वाला कली का कट नहीं किया। और ऊपर वाले में तो कली आएगी क्योंकि ऊपर वाले में इधर सेंटर ज्वाइंट नहीं अच्छा लगेगा। तो ये नीचे वाला बेस हो गया हमारा, अम्ब्रेला बनने के बाद इस तरह फ्लेयर दिखेगा, ऊपर गैदरिंग्स नहीं है यहाँ पे, और इस तरह ये तीनों पार्ट्स। नहीं वो तो नीचे रहेगा, ऊपर हो जाएगा तो ऊपर ज्वाइंट दिखेगा। ये ऊपर है देखो इधर, वो उसके साथ अपना अलग से ज्वाइंट हो गया, एक अलग घेर बनेगा नीचे स्कर्ट, और ये ऊपर है, और ये ऊपर वाला अलग से बना के इसके ऊपर ज्वाइंट होगा। यहाँ पे पूरा इस तरह से इफेक्ट आया है, साइड में से शॉर्ट लेयर, यहाँ से लॉन्ग, जो ये वाली लॉन्ग वाली है वो ये रहेगी, और साइड में से फिर हमें लॉन्ग चाहिए तो हमें लॉन्ग लिया, और फिर यहाँ से सेंटर से शॉर्ट है तो यहाँ पे हमने शॉर्ट लिया। ये नीचे वाला फ्लेयर हमने हाफ अम्ब्रेला कट किया है, यहाँ पर हाफ अम्ब्रेला में ज्वाइंट आया हुआ है, फुल अम्ब्रेला भी कर सकते हैं अगर हमें ऐसा सेम फ्लेयर चाहिए, बट हमें बस हमें मेजरमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है तो हमारा एकदम परफेक्ट कट होगा।